नमस्कार, मैं हूँ अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं DTV भारत। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और देश में जिस तरीके से कोरोना कहर बरपा रहा है उससे लोग खासे हताश हैं, निराश हैं, खास करके वो जो इससे पीड़ित हैं। मरीजों की स्थिति खराब हो रही है और इसके पीछे रिसर्च या फिर डॉक्टरों से लगातार जब हम बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि वो खुद में खुद हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, इससे उसकी उनकी जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। हालांकि बक्सर ज़िले से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो आपका हौसला बढ़ाएगी। दरअसल ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बक्सर ज़िले के अस्पताल की है जहां पर DM, SDM, रिसर्चर कह लीजिए और भी कई अधिकारी जो हैं वो PPE किट पहनकर कोविड वार्ड में पहुंचे। इस दौरान वहां पर भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों से उन्होंने बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही साथ उन्हें यह भी बताया कि अगर आप अपना ख्याल बेहतर तरीके से रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसानी से कटेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर जा सकते हैं। देखिए किस तरीके से जो वहाँ पर पहुँचे हैं DM, SDM और तमाम जो अधिकारी के साथ साथ रिसर्चर वैज्ञानिक जो पहुँचे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन लेवल आपका कम होता है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप कैसे योग करके भी उसको ठीक रख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिला प्रशासन ये दावा कर रही है कि वो तमाम व्यवस्थाएं दे रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग इन दिनों हताश हैं, निराश हैं, प्रशासन को भी ये लगता है कि नहीं, लोगों तक पहुंचना और उन तक ये संदेश पहुंचाना कि आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। साथ ही साथ प्रशासन ये भी कह रहा है कि अब लोग निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, इसलिए उनके पास जाइए और उनसे बातचीत कीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा जरूर कीजिए। अगर आप कोरोना पॉजिटिव मरीज से मिलते हैं या उनकी सेवा करते हैं तो आप PPE किट पहनिए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, चेहरे पर मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और फिर जैसे ही आप जाते हैं आप अपने आप को पूरी तरीके से साफ कीजिए, साबुन से या फिर हैंड वॉश से अच्छे तरीके से हाथ को धोइए। देखिए तरीका तो बहुत है जिससे हम कोरोना के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये पूरी तस्वीर देखिए और उसके बाद अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। बॉडी को छोड़ देना है नीचे। बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़ रहा है भाई। का तेल की पोटली बना के सूंघने की क्रिया है वो भी बहुत प्रभावी है और प्रोन क्रिया तो हम लोगों ने खुद करवा के यहाँ कल आइसोलेशन में मरीजों को देखा, बहुत ही प्रभावी है। एक मरीज है उनका SpO2 लेवल 82 था और हम लोगों ने उनको प्रोन क्रिया करवा के देखा तो उनका देखा कि 10 मिनट के अंदर उनका 97 पहुंच गया। कल जिलाधिकारी एक्सरसाइज भी करवा रहे थे कुछ। जिलाधिकारी महोदय और DDC साहब और मैं तीनों लोग थे और डॉक्टर सुधीर थे, हम लोगों ने एक एक मरीज का देखा
और सबको प्रोन क्रिया इवन करवा के देखा, तो देखा गया कि बहुत प्रभावी है, उसको करने से लोगों को लाभ हो रहा है। कल और आज में लाभ मिला है सर? बिल्कुल बिल्कुल लाभ हो रहा है। मैं सबसे अपील करूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग भाप लेते रहें, कपूर डाल के भाप लेते रहें और कोशिश करें कि घरों में सुरक्षित रहें। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो अब मरीजों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें आई जिसको डीटीवी भारत ने भी दिखाया कि स्थितियां ये हैं कि मानवता मर रही है। अभी बक्सर से ही एक जो तस्वीर निकल कर आई, जो खबर निकल कर आई, उसमें ये था कि मृत महिला के बेटों ने ही उसके शव को लेने से इनकार कर दिया। कोरोना जो है वो मानवता को भी मार रहा है, हमें मानवता को भी बचाना है और मानव को भी बचाना है, दोनों बेहद जरूरी है। इसलिए आप अपनों का साथ मत छोड़िए, कोरोना है उससे लड़ाई लड़िए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साथ ही साथ मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, हैंड वॉश यूज कीजिए, साबुन का प्रयोग कीजिए, ये तमाम वो तरीके हैं जिसका आप उपयोग करके अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अपनों का साथ मत छोड़िए, ये डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसे तमाम और भी बड़ी और अच्छी खबरों को देखने के लिए आप डीटीवी भारत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हमें लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ आप सिटी केबल के चैनल नंबर 230 पर अपने टीवी स्क्रीन पर भी डीटीवी भारत को देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।